आज गुल्ली और बुल्ली बहुत देर तक सो रहे हैं। सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई भी नहीं उठा। और दोनों इतनी देर तक इसलिए सो रहे हैं क्योंकि रात में 2 बजे तक वो पबजी गेम खेलते रहे, और वैसे भी आज संडे है तो दोनों को कहीं भी नहीं जाना है, इसलिए दोनों आज घोड़े बेच के सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुल्ली की नींद खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली को आवाज़ लगाता है। वो कहता है, बुल्ली उठो यार, देखो 12 बज गए हैं, तुम कब तक सोते रहोगे? लेकिन बुल्ली है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर गुल्ली फिर से आवाज़ लगाता है, बुल्ली बुल्ली यार उठ जाओ यार, तुम कितनी देर तक सोते रहोगे? तब तो पूरी रात तुमने पबजी खेला है और अब सुबह हो गई है तो तुमसे उठा नहीं जा रहा, रहन दो मत उठो। फिर गुल्ली गुस्सा होकर घर के बाहर जाता है। जब गुल्ली घर के बाहर जाता है तब उसकी नज़र स्कूटर की तरफ पड़ती है, तो वो देखता है कि 2 स्कूटर में से 1 स्कूटर गायब है। फिर गुल्ली दौड़ के घर के अंदर जाता है और बुल्ली से कहता है, बुल्ली यार देखो हमारा 1 स्कूटर गायब हो गया है। इतना सुनते ही बुल्ली एकदम उठ जाता है। बुल्ली कहता है, कौन सा स्कूटर और कैसे गायब हो गया यार? गुल्ली कहता है, तुम घोड़े बेच के सोते रहोगे तो यही तो होगा, आज तो स्कूटर ही गायब हुआ, अगर तुम ऐसे ही सोते रहोगे तो किसी दिन तुम्हें भी गायब कर देगा कोई, चलो बाहर चल के देखो जरा। फिर दोनों घर के बाहर आते हैं। और जब दोनों घर के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं उनका लाल वाला स्कूटर चोरी हो गया था। फिर बुल्ली कहता है, यार वो वाला स्कूटर तो मेरा फेवरेट था और वही वाला स्कूटर कोई चुरा के ले गया। जो भी वो स्कूटर ले गया होगा, साले के कीड़े पड़े दस्त लग जाए उसे, हाँ नहीं तो मेरा फेवरेट स्कूटर ले गया चुरा के। गुल्ली कहता है, ऐसे बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा, चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाते हैं। फिर दोनों उस स्कूटर पर बैठ के पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली अपने स्कूटर बाहर खड़ा करके स्टेशन के अंदर जाते हैं। बाहर से देखने में ये पुलिस स्टेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर वो खुशी खुशी अंदर जाने लगते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा देखते हैं। अंदर से देखने में ये पुलिस स्टेशन काफ़ी पुराना लग रहा है। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली बाहर से तो देखो कितना मस्त पुलिस स्टेशन है, लेकिन अंदर से तो एकदम भूतिया हवेली की तरह लग रहा है और आसपास कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर बुल्ली कहता है, अरे यार हमें तो बस कंप्लेंट लिखाने से मतलब है, और हो सकता है बाकी पुलिस वाले राउंड पे गए हों, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं शायद कोई पुलिस वाला मिल जाए। इतना कह के वो थोड़ा अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने पे उन्हें एक पुलिस वाला बैठा दिखाई देता है। फिर गुल्ली और बुल्ली उस पुलिस वाले के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका स्कूटर चोरी हो गया है। फिर वो पुलिस वाला उनकी कंप्लेंट लिख के उनको बाहर की तरफ जाने का इशारा कर देता है। गुल्ली उस पुलिस वाले से पूछता है कि हमारा स्कूटर कब तक मिल जाएगा, लेकिन वो पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता, केवल बाहर की तरफ जाने के लिए इशारा करता है। फिर तुरंत गुल्ली उस पुलिस वाले से पूछ लेता है कि इस पुलिस स्टेशन में और पुलिस वाले क्यों नहीं हैं, लेकिन वो पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता है, वो फिर से बाहर की तरफ जाने के लिए इशारा करता है। अब गुल्ली और बुल्ली को शक हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दोनों बाहर की तरफ जाने का नाटक करने लगते हैं। फिर वो पुलिस वाला अपने असली रूप में आ जाता है।
ये एक भूतिया पुलिस वाला है जो 2 साल पहले इस स्टेशन में मारा गया था। 2 साल पहले कुछ आतंकवादी ने इस पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे और इस पुलिस वाले को अधमरी हालत में छोड़ दिया था। लेकिन किसी भी आदमी ने इस पुलिस वाले को अस्पताल नहीं पहुंचाया, जिस वजह से इस पुलिस वाले की घुटघुट के मौत हो गई थी। और अब ये पुलिस वाला हर उस आदमी को जान से मार देता है जो भी इसके पुलिस स्टेशन में आता है। तो आज गुल्ली और बुल्ली का नंबर है। फिर थोड़ी दूर पर जाके गुल्ली और बुल्ली पीछे मुड़ के देखते हैं और वो उस पुलिस वाले का असली चेहरा देख लेते हैं। और वो भूतिया पुलिस वाला भी देख लेता है कि गुल्ली बुल्ली ने उसे देख लिया है। फिर वो भूतिया पुलिस वाला उनके पास दौड़ के आता है और बुल्ली पे हमला कर देता है। और इसके बाद वो पूरे पुलिस स्टेशन को हवा में उड़ा देता है। और गुल्ली जब नीचे की तरफ देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब गुल्ली अकेला क्या करे, ना तो वो इस स्टेशन से नीचे कूद सकता है, ना ही उस पुलिस वाले से लड़ाई कर सकता है। लेकिन फिर भी गुल्ली हिम्मत करके उस पुलिस वाले से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। लेकिन गुल्ली उस पुलिस वाले से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगर बुल्ली भी साथ में होता तो शायद वो दोनों मिलकर पुलिस वाले की धुनाई कर सकते थे। काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद फिर वो पुलिस वाला गुल्ली को एक लात मारता है और गुल्ली उस स्टेशन से नीचे जा गिरता है। तो फिर जब वो पुलिस वाला गुल्ली पे हमला करता है तो गुल्ली नीचे गिर जाता है और नीचे वो वहाँ पे गिरता है जहाँ पे बुल्ली बेहोश पड़ा था। और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरने पे दोनों का कीमा बन जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। फिर वो जॉम्बीज पुलिसमैन पूरे पुलिस स्टेशन को नीचे ले आता है और उन दोनों की लाश के ऊपर ही पूरा पुलिस स्टेशन रख देता है, जिससे पता न चले गुल्ली बुल्ली की लाशें कहां पर है। और वो अपना रूप बदल के फिर से चेयर पे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोन गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए उनके घर पे आता है, क्योंकि आज संडे है तो वो सोच रहा था कि गुल्ली बुल्ली के साथ बैठ के आज पूरे दिन वीडियो गेम खेलेंगे। जब सोन उनके घर पे आता है तो वो देखता है उनका स्कूटर गायब है, तो वो सोचता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं गए होंगे। लेकिन वो देखता है कि उसका घर का गेट खुला हुआ है। फिर सोन उसके घर के अंदर जाके देखता है तो गुल्ली और बुल्ली घर के अंदर नहीं होते हैं। फिर सोन सोचता है कि गुल्ली और बुल्ली घर के अंदर नहीं है, ना ही उनका स्कूटर है। अगर वो कहीं गए होते तो घर का गेट बंद होता, और अगर कहीं गए भी होते तो उनका एक स्कूटर घर पे ही होता, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर सोन बाबा के पास फ़ोन लगाता है, क्योंकि सोन को लग रहा है कि शायद गुल्ली और बुल्ली बाबा के यहाँ पे गए हों। और जब वो बाबा से बातें करता है तो उसे पता चलता है कि गुल्ली और बुल्ली बाबा के यहाँ पे भी नहीं आए हैं। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाज़ा बंद करके पास वाले पुलिस स्टेशन में जाता है। वो पुलिस स्टेशन जाके दोनों की कंप्लेंट लिखवाएगा ताकि गुल्ली और बुल्ली मिल जाए। जब सोन पुलिस स्टेशन के पास पहुंचता है तो गुल्ली बुल्ली का स्कूटर खड़ा दिख जाता है, तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि गुल्ली बुल्ली इसी पुलिस स्टेशन में आए हैं और वो सोचता है कि मैं चुपके से जाके दोनों को सरप्राइज दूंगा और दोनों के एक एक टपली मारूंगा। फिर वो खुशी खुशी पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगता है। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही उसे दिखाई देता है कि बाहर से तो पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से तो बड़ा अजीब सा और डरावना सा लग रहा है।
फिर वो चुपके चुपके से आगे बढ़ता है और बड़ा आराम से उस तरफ देखता है जहाँ पे वो पुलिस वाला बैठा होता है। अब सोन सोचता है कि चलो इस पुलिस वाले पे कंप्लेंट लिखवाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता है तभी वो पुलिस वाला अपने भूतिया रूप में आ जाता है। फिर सोन आगे बढ़ के नहीं जाता है, वहीं से चुपके से उस पुलिस वाले को देखता रहता है और वो सोचता है ज़रूर यहीं गुल्ली बुल्ली आए होंगे और इन पुलिस वाले से उसकी लड़ाई हुई होगी, और ये पुलिस वाला इतना डरावना है और इतना ताकतवर है तो हो सकता है कि गुल्ली बुल्ली को इस भूतिया पुलिस वाले ने बेहोश कर दिया हो। फिर अचानक से वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन सोन की तरफ देख लेता है और सोन को ही पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन ने उसे देख लिया है। फिर वो थोड़ी देर वहीं चुपके से खड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि वो पुलिसमैन आगे नहीं आएगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पुलिसमैन उसके पास तक आ गया है। फिर सोन दम दबा के वहाँ से भाग लेता है। जैसे ही सोन भाग के गेट के पास तक आता है तो वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन अपनी शक्ति से उस गेट को बंद कर देता है। और अपनी शक्ति से सोन को खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन उस सोन पे हमला करने लगता है तो सोन कहता है अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे चाचा एसपी हैं, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा और मेरी जान पहचान बहुत दूर दूर तक है, समझे कि नहीं। ये बात सुन के उस ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन अपने नाखूनों से सोन पे हमला कर देता है। फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन सोन पे हमला करके उसका सर अलग कर देता है और बचे हुए शरीर को लात मार के ज़मीन में धसा देता है। फिर ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन सोन के सर को लेके उस टेबल पे जाके बैठ जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन सोन के सर को इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो दो सर एक साथ खाना चाहता है, वो बस इंतज़ार कर रहा है कि कोई और आदमी उस पुलिस स्टेशन में आए तो वो उसे भी मार के दोनों का सर एक साथ खाएगा। तो वो सोन के सर को टेबल पे रख के किसी का आने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं बाबा भी उस पुलिस स्टेशन के पास आ जाते हैं क्योंकि सोन ने उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि वो कंप्लेंट लिखाने पुलिस स्टेशन जा रहा है। पास आते ही बाबा को भी गुल्ली बुल्ली का स्कूटर दिख जाता है तो बाबा भी सोचते हैं कि गुल्ली बुल्ली भी यहीं पे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गेट बंद है तो गेट खोल के जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि गुल्ली बुल्ली के साथ क्या हुआ। फिर बाबा आगे बढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें सोन का सर टेबल पे रखा हुआ दिख जाता है। सोन का कटा हुआ सर देख के बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं ज़ॉम्बीज़ पुलिस वाला सोचता है कि एक और शिकार आ गया है, अब मैं इसे ही मार के दोनों के सर को एक साथ खाऊंगा, लेकिन उसे क्या पता ये बाबा हैं और ये बाबा उसे नरक के दर्शन कराने वाले हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज़ पुलिसमैन बाबा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो बाबा उससे कहते हैं वो सड़े मुंह वाले आदमी, पहले तूने गुल्ली बुल्ली को मार के अच्छा नहीं किया, उसके बाद तूने सोन का सर काट दिया, फिर भी मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले जा, मैं तुझे छोड़ दूँगा।
लेकिन ये बात सुनकर उस जॉम्बीज पुलिस वाले को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और बाबा समझ जाते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अभी जॉम्बीज पुलिस वाले को सही से खुराक देनी पड़ेगी। अभी वो जॉम्बीज पुलिसमैन बाबा पे हमला कर देता है। अब बाबा का नंबर आता है हमला करने का। जैसे ही बाबा उस जॉम्बीज पुलिस वाले पे हमला करते हैं कि तभी ये क्या हुआ, ये जॉम्बीज पुलिस वाला तो एकदम छोटा हो गया है। फिर बाबा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जॉम्बीज पुलिस वाला उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर बाबा की नज़र नीचे पड़ती है, वो देखते हैं कि वो जॉम्बीज पुलिस वाला एकदम छोटा हो गया है। फिर बाबा भी अपनी शक्तियों से छोटे हो जाते हैं। फिर बाबा दोबारा अटैक करने जाते हैं। जैसे ही बाबा इस बार अटैक करने जाते हैं तो वो जॉम्बीज पुलिस वाला बड़ा हो जाता है और बाबा उसके नीचे से निकल जाते हैं। अब तो बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर बाबा भी तुरंत बड़े हो जाते हैं। फिर बाबा अपने जादुई गोले में उस जॉम्बीज को बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जॉम्बीज उस गोले को तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर वो उड़कर ऊपर हवा में चला जाता है और तुरंत बाबा भी उसके पीछे पीछे उड़ के चले जाते हैं। लगता है ये जॉम्बीज पुलिस वाला ऐसे नहीं मरेगा। अपनी जेब से जादुई छुरा निकालते हैं। ये छुरा कोई मामूली छुरा नहीं है, बाबा ने 100 सालों तक तपस्या की है तब इस छुरे में जाके शक्ति आ पाई है। फिर बाबा उस छुरे से उस जॉम्बीज पुलिस के माथे पे हमला कर देते हैं। इस छुरे को लगने से उस जॉम्बीज पुलिस वाले की मौत हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर बाबा वापस उस पुलिस स्टेशन में आते हैं और गुल्ली बुल्ली और सोन को जिंदा करते हैं। इन तीनों के जिंदा होने के बाद फिर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।